नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। शाम के 4:30 बज रहे हैं और वक्त है मशाल का। पंजाब में जबरदस्त जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब गुजरात में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। राज्य में बीजेपी की सरकार है और आप खुद को नए विकल्प के तौर पर रख रही है। इसी एजेंडे के तहत पार्टी लगातार बीजेपी सरकार को शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रही है। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी के क्षेत्र में पहुंचे और सरकारी स्कूलों का दौरा किया। गुजरात के शिक्षा मंत्री की क्षेत्र में बने स्कूलों की हालत देखकर उन्होंने बीजेपी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने गुजरात में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ नहीं किया। दरअसल कुछ दिन पहले गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कहा था कि जो लोग राज्य की शिक्षा प्रणाली से नाखुश हैं उन्हें अपने बच्चों को गुजरात से बाहर ले जाना चाहिए। इसके बाद दिल्ली और गुजरात के शिक्षा मंत्री के बीच भी लगातार ट्विटर पर शिक्षा के मुद्दे पर बहस देखने को मिली और अब गुजरात पहुंचकर सिसोदिया ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था का सच जाना है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी सरकार में गुजरात की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ या आम आदमी पार्टी के आरोप निराधार हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले सुनिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूलों का दौरा करने के बाद क्या कुछ कहा। शिक्षा मंत्री जी ने कहा अभी पहले कि हमने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है कि या तो यहाँ पढ़ लो और जिसको गुजरात शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं लगती वो गुजरात छोड़ के दिल्ली चले जाओ। तो ये बड़ा एरोगेंट बयान लगा मुझको। तो मैंने सोचा कि फिर हम भी देख लेते हैं भाई गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने क्या किया है। तो मैं इधर आया हूँ आज शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में। मैंने सोचा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्कूल बड़े वर्ल्ड क्लास कर दिए होंगे जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैं आया और देखा कि शिक्षा मंत्री जी की अपनी विधानसभा में स्कूल ऐसे हैं। ये छोटे स्कूल में अब आप देखो यहाँ चारों तरफ, अगर आप यहाँ से दिखाओगे मेरे इसके बाद में सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं। अब उनको पता था मैं आज आ रहा हूँ तो जाले की बेचारों ने साफ सफाई तो करने की कोशिश की है, लेकिन सारे जाले अभी भी लगे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी ने कहा अभी पहले कि तो गुजरात की शिक्षा व्यवस्था में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी देखने को मिल रहा है। जहां मनीष सिसोदिया गुजरात के स्कूलों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे, शिक्षा मंत्री हैं गुजरात के जीतू वघानी, उनके क्षेत्र में जाकर के स्कूलों का उन्होंने दौरा किया है और बोर्ड्स देख करके उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये क्या मजाक है, ये स्मार्ट बोर्ड्स हैं। उन्होंने कई तरीके के सवाल भी उठाए हैं। आपको बता दें कि जीतू वघानी ने कुछ वक्त पहले कहा था, उन्होंने बयान दिया था कि जैसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पसंद नहीं है वो राज्य छोड़ करके अपने बच्चों का लिविंग सर्टिफिकेट कहीं और का बनवा ले और जा करके वहीं बस जाएं और वहीं से शिक्षा प्राप्त करें। ऐसे में लगातार ट्विटर पर वार भी देखने को मिली। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में है और उसके बाद अब पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और ऐसे में अब अपनी जड़ें देश के अन्य राज्यों में भी फैलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ हो, हर जगह आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनावों में उतरने की ताल ठोक रही है। और ऐसे में जब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं तो इन चुनावों को लेकर के गुजरात में शंखनाद सबसे पहले किया गया और अब शंखनाद करने के बाद दिल्ली के ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंच गए। जीतू वघानी शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में जाकर के दौरा किया और ये तस्वीरें देखिए दौरे के दौरान की। और हमारे साथ रेणु भाटिया हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है रेणु जी आपका। थोड़ी देर में हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी जुड़ेंगे। रेणु जी से पहले मैं सवालों की बौछार करूं, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आखिरकार व्यवस्था कैसी है गुजरात में खासकर। देखिए मैंने आपका पूरा वो देखा जो आपने दिखाया, किस प्रकार से सुनिया जी देख रहे हैं गुजरात आए हैं। मुझे ध्यान आता है कि पिछले चुनाव में जब हम दिल्ली घूम रहे थे अभी लेटेस्ट, तो तब हमने देखा कि दिल्ली में ये बार बार यही बात की जोर आजमाई करते थे कि यहाँ पर शिक्षा हमने अच्छी कर दी, स्कूल कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक कर दिए। हमने जब दौरा किया और देखा तो हमें तो ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक दिखा, वर्किंग एक्टिव, ना कोई ऐसा स्कूल दिखा जिसमें किसी शिक्षा प्रणाली में इन्होंने कोई बहुत फेरबदल किया हो। क्योंकि जब भी कोई नई सरकार आती है कुछ एक आध चेंज तो जरूर होता है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक वर्किंग
सिस्टम होता है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार कर दिया और गुजरात को या दूसरे अन्य राज्यों को इस प्रकार से कटघरे में खड़े करने वाली बात ऐसा कोई सिसोदिया जी ने नहीं किया। हाँ, आम आदमी पार्टी को आदत है दूसरों के घर में करने की। रेनू जी, मैं लेकिन गुजरात के बारे में जानना चाहती हूँ, मुझे दिल्ली के बारे में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस गुजरात के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की बात है। बात भले ही मनीष सिसोदिया ने उठाई हो, लेकिन बात जनहित की है कि आखिरकार स्कूलों में व्यवस्था किस तरीके की है गुजरात में, आप उस बारे में जानकारी दें। गुजरात की शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर है। हाल ही में जो आपने पिछला रिजल्ट देखा होगा इनका, उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं आया कि रिजल्ट अच्छा ना आया हो बच्चों का, या बच्चों की सोच को लेकर कहीं पर खामी कमी रही हो, बच्चों ने कहीं पर कमी दिखाई हो। ये बात तो हो गई शिक्षा व्यवस्था की, ये बात तो हो गई रेणु जी शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, कहीं पर भी आप गुजरात में देखेंगे कोई सरकारी स्कूल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर बच्चों की मात्रा कम हो, और कम वहीं पर होती है जहां पर आपको लगता है कि स्कूल अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन जितनी भी सीट्स होनी चाहिए मैक्सिमम सीट्स फुल है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है गुजरात में। ये पहला आम आदमी पार्टी का पहला मंत्री हमने देखा जिनकी स्वयं की कोई नीति और नियत नहीं सरकार के साथ या देश के साथ काम करने की, वो दूसरों को पॉइंट आउट कर रहे। मनीष सिसोदिया जी ने, रेनू जी, यदि आप जी रेनू जी, मनीष सिसोदिया जी ने जो ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें शेयर की, क्या वो गुजरात के स्कूल की नहीं थी जहां बच्चे जमीन में बैठ करके पढ़ रहे हैं, खुले में बैठ करके पढ़ रहे हैं? ब्लैक बोर्ड जो है वो आप देख सकते हैं, किसी भी तरीके से स्मार्ट नहीं माना जाएगा उन्हें। बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक बात है, कहीं पर अगर बच्चे बैठे हैं शिक्षा ले रहे हैं तो किसी शिक्षा की उसमें कहीं पर कमी नहीं है, और ऐसा नहीं कि ब्लैक बोर्ड पे काम नहीं होता, हम और आप हमेशा ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़े हैं। आज अगर परिवर्तन आ रहा है तो जब हम इसी चीज को बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल ने ये कर दिया और आपने नहीं किया, तब हम इसी बात को पॉइंट आउट कर देते हैं कि हमारे बच्चे फिर कैसे पढ़ेंगे। तभी तो धीरे धीरे ये परिवर्तन आ रहा है, और गुजरात में क्या देश के हर कोने में, बिल्कुल रेनू जी, रेनू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी रेनू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात को स्मार्ट गुजरात बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं शिक्षा मंत्री जो हैं स्कूलों को भी स्मार्ट नहीं बना पाए हैं। राकेश हीरापारा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी, उनसे भी सवाल कर लेती हूँ। सबसे पहले तो राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, जो तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की हैं आपके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, क्या कहेंगे उनको लेकर के? क्योंकि रेणु जी का तो लगातार यही कहना है कि शिक्षा व्यवस्था काफी अच्छी है, यही वजह है कि वहां गुजरात में जो रिजल्ट है वो काफी अच्छे आए हैं, और अगर बच्चे जमीन पर बैठे हैं या ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहे हैं स्मार्ट बोर्ड की जगह है, तो उसको हम शिक्षा व्यवस्था का कोई भी रेशियो नहीं मान सकते हैं, और ना ही उसे किसी भी तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर शिक्षा अच्छी नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले तो गुजरात विधानसभा के भाजपा के नेताओं ने और शिक्षा मंत्री ने जो दिए कुछ फिगर्स है, वही मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिससे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिगर खुद बोलेंगे। 19,128 क्लासरूम्स की कमी है गुजरात के सरकारी स्कूलों में, 19,000 से ज्यादा क्लासरूम्स की कमी है, 18,000 से ज्यादा शिक्षकों की, टीचर्स की कमी है, 700 स्कूल ऐसे है, 700 स्कूल ऐसे है जिनमें सिर्फ एक टीचर है। और जो पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे, तो गुजरात गवर्नमेंट यहाँ पे हर साल गुणोत्सव करके एक रिपोर्ट करवाती है, 2020 का गुणोत्सव का रिपोर्ट कहता है कि गुजरात के सभी स्कूलों में से सिर्फ 14 सरकारी स्कूल, ओनली 14 स्कूल जिनको ए प्लस ग्रेड मिला है। 150 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल थे जिसमें 10वीं का रिजल्ट जीरो आया है, मतलब स्कूल में से एक भी बच्चा पास नहीं हुआ है। ये गुणोत्सव की गुजरात सरकार की अपनी रिपोर्ट है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख से ज्यादा बच्चे 10वीं में गुजराती के सब्जेक्ट में फेल हुए जो कि यहाँ की मातृभाषा है। 31% स्कूल ऐसे है यहाँ जहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं है, 35% स्कूल ऐसे है जहाँ पानी और साफ सफाई की सुविधा, शौचालय की सुविधा नहीं है। ये गुजरात गवर्नमेंट की विधानसभा का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ।
किस मुंह से जो है सरकारी स्कूलों के काया पलट की बात कर रही है भाजपा, और जिस अहंकार से गुजरात के शिक्षा मंत्री ने दो दिन पहले बयान दिया है कि जिनको गुजरात के सरकारी स्कूल अच्छे ना लगते हो वो गुजरात से बाहर चला जाए, ये अहंकार की पराकाष्ठा है। ठीक है, आपने काफी आगे गुजरात के सरकारी स्कूल, जबकि मैं गुजरात में रहता हूँ, गुजरात में पला बड़ा हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है राकेश जी, रेणु जी से पूछ लेती हूँ। रेणु जी, इतने आंकड़े काफी होंगे गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए? जी रेणु जी, रेणु जी अपना म्यूट आप पहले खोलें, उसके बाद आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। रेणु जी आपका म्यूट बटन अभी भी दबा हुआ है। तो लगातार बात इसी मुद्दे पर कि आखिरकार गुजरात में शिक्षा व्यवस्था कैसी है और इस पर सियासी जंग अचानक से क्यों छिड़ गई है। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में दिल्ली मॉडल की बात दिल्ली सरकार लगातार हर जगह करती है और इसी मॉडल को लेकर के खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे गुजरात में जीतू वाघानी के विधानसभा क्षेत्र में। वहां जाकर के स्कूलों का दौरा करते हैं, ट्विटर पर फोटोज भी शेयर करते हैं और फोटोज में वो लिखते हैं कि आखिरकार ये क्या मजाक बना रखा है। ब्लैक बोर्ड को आप इस तरीके के ब्लैक बोर्ड हैं आपके पास और आप उसे स्मार्ट बोर्ड कहते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात एक उत्तम प्रदेश बने अन्य प्रदेशों को साथ में लेकर के। लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था की बात आती है तो तस्वीरें कुछ ऐसी आती हैं जहां पर रेणु जी का ये कहना है कि व्यवस्था कैसी भी हो, बच्चे भले ही जमीन पर बैठे हैं क्या फर्क पड़ता है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं। राकेश जी, दिल्ली का जो मॉडल है आपको क्या लगता है वो हर जगह कारगर साबित होगा? क्योंकि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, आप लोग भी खड़े हुए थे, सिर्फ पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी कुछ भी राज्यों में आप कुछ कमाल कर नहीं पाए हैं। तो चलिए हम अपने गेस्ट से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे कि आंकड़े आपको बताए, राकेश जी ने भी बताया कि 700 सरकारी प्राइमरी सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक है जो पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। राकेश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। राकेश जी, मेरा सवाल ये था कि आपको क्या लगता है दिल्ली मॉडल है जो है आपका, उस मॉडल को लेकर के आप हर राज्य में जाएंगे और हर राज्य में प्रभाव छोड़ पाएंगे? क्योंकि अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें से अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी राज्य में आप लोग कमाल कुछ कर नहीं पाए। जी बिल्कुल, सबसे पहला ये है कि हम तो ये चाहते हैं और अरविंद जी ने भी अपने पिछले 3-4 इंटरव्यूज में आप देखे आपने सुना होगा, तो उन्होंने ये कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार बने और स्कूल सुधरे। देश का कोई भी राज्य अगर शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी से या दिल्ली सरकार से कोई मदद चाहता है तो हम विदाउट पार्टी लाइन, कोई भी पार्टी लाइन बिना देखे उसकी मदद करेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बने या ना बने। अल्टीमेटली गोल यह है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए। वही काम मनीष जी ने भी किया था। मनीष जी ने कहा था कि सबसे पहले चलिए एक डिबेट कर लेते हैं, एक हेल्थी डिबेट कर लेते हैं, लेकिन गुजरात के जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने इनकार कर दिया कि डिबेट की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद मनीष जी को यहाँ आना पड़ा। देखा, मैंने वो ट्विटर वॉर भी देखा और आप जो आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, राकेश जी आप जिस इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, सुना मैंने वो इंटरव्यू जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, काम तो हमें जनता के लिए करना है। मेरा सवाल ये है कि आपको जनता की फिक्र चुनावों के टाइम पे क्यों होती है? गुजरात इसके पहले आप लोग 5 सालों में क्यों नहीं गए? उस टाइम पे आपने शिक्षा व्यवस्था या रोजगार व्यवस्था को लेकर के सवाल क्यों नहीं उठाए? अब जब चुनाव आने वाले हैं ऐसे में आपको शिक्षा व्यवस्था याद आ रही है, फिर थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य व्यवस्था भी याद आ जाएगी। नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो हो रहा है वो चुनाव की वजह से हो रहा है। शिक्षा का मुद्दा यहाँ पे लोकल लेवल पे हमारे जो लीडर्स है वो आम आदमी पार्टी के, वो बार बार उठाते रहे और एक भी शायद वीक बाकी नहीं गया होगा जिसमें शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा जो है हमने नहीं उठाया गुजरात के लिए। जी सॉरी राकेश जी, गुजरात के अलावा अन्य और स्टेट है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, यहाँ आपने मुद्दे नहीं उठाए शिक्षा के, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर चुनाव नहीं है।
राकेश जी आवाज मिल रही है? तो देखिए आजकल जो जमाना है वो वेब का है। स्टूडियो में इस तरीके से हमारे गेस्ट मौजूद नहीं होते हैं, लगातार हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसे में जब टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो उसके लिए हम किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, साथ ही आम आदमी पार्टी की। जो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का लगातार ये कहना था कि शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी है तभी तो बच्चों के रिजल्ट अच्छे आते हैं, लेकिन आम आदमी प्रवक्ता जो है राकेश जी उनका ये कहना था कि जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है वो दिल्ली मॉडल में, जिस तरीके सवाल उठते हैं कि दिल्ली में आखिरकार इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, फॉरेन के जो हमारे गेस्ट आते हैं वहाँ के जो राजनेता आते हैं वो इतना पसंद करते हैं, खुद घूमने आते हैं दिल्ली के स्कूलों में, तो ऐसी व्यवस्था अन्य स्कूलों में क्यों नहीं है? लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी से भी यही है कि आखिरकार जब चुनाव आते हैं तब आपको उन राज्यों में व्यवस्थाएं क्यों खोजनी पड़ती हैं? क्यों? क्योंकि आप राजनीतिक जमीन वहां पर तलाशने जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार आपने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल क्यों नहीं उठाए, आप पहले वहां क्यों नहीं गए, पहले वहां जाते तो फिर समझ में भी आता, लेकिन अब जब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जब चुनावी शंखनाद वैसे भी आपकी पार्टी के द्वारा कर दिया गया है तो आप वहां पर शिक्षा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। आंकड़े आपको बताते हैं कि 700 सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए गुजरात में केवल एक शिक्षक है जो पहली से आठवीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। पिछले 2 सालों में राज्य में 86 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद किए गए हैं, 491 स्कूलों को मर्ज किया गया है और केवल एक टीचर पढ़ाने के लिए है ऐसे स्कूलों में, और ऐसे स्कूलों की सबसे ज्यादा जो तादाद है वो कक्ष में है। गुणोत्सव 2.0 की अगर हम बात करते हैं 2021 के तहत 30,681 प्राथमिक विद्यालयों का सर्वे किया और ए प्लस ग्रेड केवल 14 स्कूलों को मिला है। और हमारे गेस्ट फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेनू जी, राकेश जी। राकेश जी से मैं बात कर रही थी इसके पहले, राकेश जी मैं आपसे यही पूछ रही थी कि जब तक चुनाव नहीं आते हैं तब तक आपको किसी भी स्कूल की व्यवस्था या किसी भी राज्य में किसी भी तरीके की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, तब तक आप सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं आप सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली यह है कि बात यह है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। अभी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आए थे तो उनके साथ भी शिक्षा को लेकर संवाद किया था, तमिलनाडु में चुनाव नहीं है। दूसरी चीज गुजरात में इसलिए कि गुजरात के लोगों को अभी तय करना है, वो तो खुद आए थे ना, आने वाला जो चुनाव है उसमें तय करना है आपके स्कूलों का भ्रमण करने के लिए। यही मैं कह भी रही थी अपने दर्शकों को, यही बात साझा भी कर रही थी कि जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, जो दूसरी कंट्रीज से राजनेता आते हैं, वो भी दिल्ली मॉडल में देखने आते हैं दिल्ली के स्कूलों को किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार चला रही है। अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल तो ये है ना आपसे कि सर गुजरात की ध्यान क्यों आ गई आपको अचानक से? कुछ देर में आपको हिमाचल की याद भी आएगी कि आखिरकार स्कूलों में व्यवस्था कैसी है। आखिरकार बाकी राज्यों से कोई दुश्मनी है? मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से यहां तक आम आदमी पार्टी क्यों नहीं पहुंची है कि वहां पर भी जाकर के स्कूलों की थोड़ा सा तलाशी करें, छानबीन करें कि वहां पर किस तरीके से स्कूल में व्यवस्थाएं हैं? सबसे पहली बात यह है कि जहां पर भी हमारी स्थानीय इकाई है, लोकल लीडर्स है, वो शिक्षा के मुद्दे को उठा रहे हैं। गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात का जो ये घटनाक्रम शुरू हुआ है, मैं आपको बता दूं कहां से शुरू हुआ है। सबसे पहली ये जो बात शुरू हुई हमने नहीं छेड़ी है, ये जो पूरी जो बहस है कहां से शुरू हुई है, आज से 15 या 20 दिन पहले आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, भाजपा के गुजरात के ट्विटर हैंडल ने 4 ट्वीट किए थे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। ये जो पूरी बहस छिड़ी है वहां से छिड़ी है। जब उन्होंने अपनी गलत जानकारी डाली तो एक जिम्मेदार शिक्षा मंत्री होने के नाते दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने तुरंत बताया कि आपको अगर ऐसा लगता है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं तो आइए और स्वस्थ चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, कोई भी जवाब नहीं आया, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। एक तरफ से आप आरोप भी लगाएंगे और उस आरोप के ऊपर चर्चा भी नहीं करेंगे, तो फिर हमने चर्चा का मुद्दा खुला छोड़ दिया। ये शुरुआत आप देख लेना, भाजपा ने गुजरात में अपने ट्विटर हैंडल से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर 4 ट्वीट किए थे, वहां से ये पूरी बहस शुरू हुई। ठीक है, तो रेनू जी बहस आप लोगों ने छेड़ी, जवाब भी नहीं दिए, और अब आपसे ये सवाल बन रहा है कि अगर गुजरात में इतनी अच्छी है शिक्षा व्यवस्था कि आप दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा सकते हैं, तो ऐसा क्यों है कि 700 प्राइमरी स्कूलों में केवल एक टीचर है? एक टीचर कैसे पढ़ाएगा? और ये प्राइमरी स्कूल 1 से लेकर 5वीं तक के नहीं है, 1 से लेकर 8वीं तक के हैं। करूंगी
थी जब पिछले समय में हम चुनाव थे, जब केंद्रीय चुनाव, तब भी इसी बात को हमने देखा दिल्ली में जब घूमते हुए कि ये वो कहाँ गए स्कूल और वो कहाँ गए मोहल्ला क्लिनिक। तो हम दिया बाती लेकर ढूंढते रहे मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है दिल्ली में जिनकी ये चर्चा करते हैं। कब तक आप दिल्ली की बात करेंगी, आप गुजरात की बात पर कब आएंगी? क्यों नहीं, दिल्ली की बात गुजरात की बात कौन करने आया है? तो भारतीय जनता पार्टी क्या अपने अपने राज्य में उसके जो चल रहा है उस पर जवाब नहीं देगी, दूसरे राज्यों पर ही उंगलियां उठाएगी? नहीं, उंगलियां नहीं, कमाल कर रहे हैं आप, उंगलियां तो इन्होंने उठाई, इसी बात को तो मैं कह रही हूँ। ये कहते हैं कि इन्होंने जंग को छेड़ा, जंग तो हमने तो मोहल्ला क्लिनिक पर भी छेड़ी थी, तब क्यों उन्होंने जवाब नहीं दिया? और रही बात शिक्षा प्रणाली की, केंद्रीय शिक्षा प्रणाली ही गुजरात में शिक्षा प्रणाली लागू है, और अगर उनको इस तरह से लग रहा है कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं और दिल्ली की प्रणाली ठीक है, तो मुझे लगता है कि केंद्र की प्रणाली दिल्ली में भी चल रही है, तो एक ही प्रणाली जो पूरे देश में चल रही है उसको ये दिल्ली में अलग। और मैम, केंद्र के साथ साथ व्यवस्था तो राज्य सरकार भी करती है ना, शिक्षकों की भर्ती तो राज्य सरकार ही करेगी ना, केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती होती है और बाकी जो भर्ती होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती है। जीतू वघानी तो सीधे तौर पर ये कह करके निकल गए कि जिन्हें हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं लगती है वो अपना सर्टिफिकेट लें और जाकर के बच्चों को कहीं और पढ़ाएं। क्या शिक्षा मंत्री को इस तरीके का बयान शोभा देता है? देखिए, इस बात के लिए तो हर कोई कहता है कि हमें अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, वो चाहे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हो, चाहे गुजरात के शिक्षा मंत्री हो, चाहे कहीं की, ये बात तो हम सब पर लागू होती है। परंतु अगर हम इस बात को कहें कि गुजरात में काम नहीं हो रहा, आपको ध्यान हो 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी राज्यों ने, चाहे वहां पर भाजपा की सरकार थी उन दिनों में, तो थी नहीं कई स्थानों पर, और जहां नहीं थी उन्होंने भी गुजरात मॉडल को अडॉप्ट किया था अन्य कई मसलों पर। तो आज आपको एकदम से ध्यान आया कि चुनाव आ रहे हैं तो चलिए दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से पहुंचे गुजरात और इस बात को हम जंग का करें। तो ये इनकी पुरानी आदत है पार्टी वालों की, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है अपने पूरे बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, अपने राज्य को मजबूत कर। गुजरात में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं रेनू जी, आप जानती हैं इस बारे में? देखिए, जो आंकड़े इन्होंने आपको बताया उन आंकड़ों में कोई दुरुस्ती नहीं, वो आंकड़े मेरे नहीं है और ना ही मैं राकेश जी के आंकड़े लिख करके यहाँ बैठी हूँ। मैं जो आंकड़े निकाल करके लेकर के आई हूँ वो आंकड़े हैं जो आपकी सरकार ने विधानसभा गुजरात में खुद दिए हैं कि वहां पर 16,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं और प्रधानाचार्य के 1,028 पद खाली हैं। 700 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें केवल एक शिक्षक है, कैसे पढ़ाइएगा? शासित सरकारी प्राइमरी स्कूलों को आपने बंद कर दिया और 491 स्कूलों को आपने मर्ज कर दिया, ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी ने खुद दी है विधानसभा में। मैडम, आम आदमी पार्टी से सवाल करना चाहूंगी, राकेश जी आप शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, वहां मैडम गुजरात मॉडल की बात कर रही थी, आप लोगों का मॉडल बड़ा कंफ्यूजिंग है थोड़ा मेरे लिए, क्योंकि जहां गुजरात में आधे से शिक्षकों के पद खाली है वहां दिल्ली में भी शिक्षकों के कम पद खाली नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में व्यवस्था है कि आखिरकार एक ही टीचर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक पढ़ाता है और तनख्वाह की जब बात आती है तो एक टाइम की तनख्वाह तक टाइम से नहीं मिल रही है, ये आप भी जानते होंगे राकेश जी। बिल्कुल, सबसे पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था है विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, उसमें भी कई कमियां हैं, सीखने की जरूरत है और उसमें सुधार भी होगा। बात है तुलनात्मक अभ्यास, क्योंकि ये गुजरात की व्यवस्था है, ये दिल्ली की है। दूसरा है कि अक्टूबर 2017 में शायद ये भी पहली बार हुआ होगा, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी पार्टी है, इसलिए कि टीचरों को, शिक्षकों को जो गेस्ट टीचर्स है उनको रेगुलराइज करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया अक्टूबर 2017 में और पूर्ण बहुमत से यह बिल पास हुआ है। 15,000 में दोबारा से सरकार बना ली और उसके बाद कोरोना की वजह से आधे से शिक्षकों को अभी तक आपने भर्ती नहीं किया और दूसरी बात उनको आपने अभी तक सैलरी नहीं दी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी और रेणु जी, आप दोनों का, वक्त की पाबंदी है। तो देखिए, गुजरात मॉडल की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली मॉडल की बात करती है आम आदमी पार्टी। दोनों ही मॉडलों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल तो है ही। शिक्षकों की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी कई शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं, प्रधानाचार्य के पद अभी भी खाली हैं और ऐसा ही
हाल गुजरात में भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो जीतू बागानी ने अपना बयान दिया है कि अब उस पर माफी मांगेंगे, और साथ ही आम आदमी पार्टी अभी और कितना लंबा इसे खींचने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका मशाल में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इस मशाल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।